नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की, तो मेरी शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। मैंने दुकानदारी फैला रखी है, एक बर्तन में चावल लेके आई हूँ और दो बर्तनों में सब्जी लेके आई हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज श्राद्ध है, तो आज मैं सुबह ही 4 बजे उठ गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने उठ के नहाया धोया, नहा धोने के बाद झाड़ू पोछा किया, अब मैं सीधा लेके आ गई काम। तो चावल बीन लेती हूँ, पहले चावल बीन के इसे भिगाने रख दूंगी खीर के लिए। अभी दोस्तों चाय नहीं पिए, चाय रख के आई हूँ गैस में। तो इधर चाय बनती है तो मैंने कहा चावल बीन के भिगा देती हूँ, फिर काटूंगी सब्जी, क्योंकि चाय पीते पीते मेरी सब्जी कट जाएगी। गोभी है, गोभी में ज़रा टाइम लगता है क्योंकि कीड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल कीड़े दिख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा गोभी में टाइम लगता है, तो चाय पीते पीते ये काम भी हो जाएगा। और दोस्तों, आज काम भी बहुत है, पूरा दिन बिजी रहने वाली हूँ, अकेली हूँ। पिछली बार तो प्रिया हेल्प करने वाली थी, तो झाड़ू पोछा सब प्रिया करती थी, तो मेरा काम नहा धो के सीधा खाना बनाने का होता था। आज तो खुद अकेले करना है, तो मैं सोच रही जितनी जल्दी काम हो जाए मेरा। और चिंता के कारण मेरी रात भर नींद भी नहीं आई है कहीं, भाई ये सोचा नींद आ गई तो सुबह मेरी आँख नहीं खुलेगी, कैसे काम होगा। तो मैं रात 2:30 बजे से उठी हूँ, उजाले का इंतजार कर रही थी कब उजाला हो कब मैं उठूं। तो भाई आखिरकार फिर उठना ही पड़ा, करना है भाई, अकेले श्राद्ध का काम है, पंडित जी भी आ जाएंगे, टाइम पर खाना भी सब बनाना होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ बना के रख दो। लो जी, गोभी काट दी थी, तो गोभी काट के गर्म पानी में भिगाने रखाई हूँ, उसमें जो कीड़े वीड़े होंगे तो निकल जाएंगे। बाकी तो मैंने बहुत देख देख के काटी है, बहुत टाइम भी लग गया मुझे गोभी काटने में, क्योंकि उसमें कीड़े निकल जाते हैं, तो उसे देखने में बहुत टाइम लगा, इसलिए सबसे पहले काम मैंने गोभी का ही करा। अब भिगाने रखाई हूँ, जितने कीड़े और होंगे निकल जाएंगे। अब मैं बाकी और सब्जी काट लेती हूँ। आज क्या है दोस्तों, सारी मिक्सर सब्जी बनती है, इसमें गावे भी मिलाए जाते हैं, गावे तो मुझे मिले नहीं, तो फिलहाल मैंने जो जो सब्जी है वही मिक्स करके बना रही हूँ। सब्जी कट जाएगी तो एक चूल्हे में सब्जी चढ़ा दूंगी, एक चूल्हे में हल्के आंच में खीर रख दूंगी। खीर पकने में टाइम लगता है, खीर जितनी पके घुटी हुई होती है उतनी टेस्टी होती है, तो इसलिए मुझे खीर बनाने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा पहले सब्जी काट लेती हूँ, फिर दोनों को साथ ही चढ़ाऊंगी, और दोस्तों फिर मेरा काम भी आसान हो जाएगा। उसके बाद खीरा कोर के रायता बना लूंगी, फिर दाल भी बनानी है, चूल्हे हैं दो ही, तो कब क्या करूंगी, इसलिए सोची जो काम पहले निपट जाए। मौसी से पूछ कब आ रही है, कहाँ पहुंची है, वह हम इंतजार कर रहे तेरा। भात तो बना दिया, रायता भी बना दिया, अब फटाफट पूरी बनाऊं। अब जो भी है सब्जी भी बन गई, खीर भी रेडी हो गई है, दाल छौंकनी है। खाना भी मेरा लगभग बन चुका है, थोड़ा रह गया, और पंडित जी आ गए थे, तो पहले मैंने पंडित जी को चाय वाय पिलाई, उसके बाद मैंने अंकित से कहा तू अपना श्राद्ध का काम जो है बैठ जा वहाँ पर पंडित जी के साथ, मैं किचन में काम कर लेती हूँ। बहन अभी तक नहीं पहुँची है, सोचा था जल्दी आ जाएगी हेल्प करेगी, उसके आने तक तो मेरा सारा काम हो ही जाता है। अब कोई बात नहीं दोस्तों, उसका भी अपना काम है, मैंने तो कह दिया है, उसने भी अपने लड़के को देखना है, उसका लड़का बीमार हो रहा, फिर उसने भी कॉलेज जाना होता है, अपने घर का उसको भी सब कुछ देखना होता है। चलो लगभग हो ही गया, कोई बात नहीं, कभी कभी हो भी जाता है। पंडित जी को आए भी काफ़ी टाइम हो गया था, फिर उनको चाय वाय पिलाई, पंडित जी ने चाय पी, चाय पीने के बाद पंडित जी अंकित से बोले कपड़े चेंज करके आ जाओ, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं श्राद्ध का काम, उसमें भी टाइम लगता है। मुझसे बोल रहे थे खाना बनने में कितना टाइम है, मैंने कहा पंडित जी लगभग बन चुका है, पूरी बनानी है और दाल वाल छौंकनी है, तो बोले ठीक है। तो उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू करा श्राद्ध का, तो मैं किचन में आ गई, तो मैंने आटा गूंथ गाँथ के रख दिया है, अब मैं पहले दाल छौंक लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। तो इधर इनका श्राद्ध का काम चल रहा है। दोस्तों हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, पंडित जी बेचारे आ जाते हैं, मेरा काम नहीं हो पाता है। अभी मैं सुबह 4:30 बजे से लगी हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ कमियाँ रह ही जाती हैं, चाहे कितना भी कर लो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। वो तो हमारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत संतोषी भी है, तो वो कुछ नहीं कहते, वो इंतजार भी कर लेते हैं, तो किसी भी पंडित जी के पास टाइम नहीं होता भाई। हर घर में श्राद्ध होता है, एक दिन के उनको भी 8-8, 10-10 करने पड़ते हैं भाई, क्योंकि इतने जजमान है, हर घर में जाना है, तो इसलिए इस समय तो हमारे पंडित जी के पास भी ज़्यादा नहीं है, 3-4 जगह हैं, उन्होंने भी जाना है, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता इस समय। जितना भी होता है तो हमारे लिए तो टाइम निकालते ही हैं। अभी अगले महीने फिर तिथि का आ जाता है, नवंबर में जब दीपावली के 15 दिन बाद फिर तिथि का श्राद्ध आ जाता है हस्बैंड का, तो उस समय पंडित जी आराम से करते हैं, उस समय वो बेफिक्र होकर रहते हैं, क्योंकि उस समय उनको ज़्यादा जगह जाना नहीं। लो जी, खाना भी सब रेडी हो गया था, तो अंकित बाहर ले गया है, तो अंकित खाना गगरास रख रहा है, जो जो करना होता है पंडित जी बताते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं, तो मैं अपना पूरी बनाने में
लगी हूँ। मैं भी सोच रही जितनी पूरी अभी बन जाए, फिर बाकी जब कोई आ जाएगा तभी बनाऊंगी गरम गरम। और बहन भी पहुँची गई है, बहन मुझसे कह रही आज तो तूने भैया रिकॉर्ड तोड़ दिया, सब काम निपटा लिया। मैंने कहा क्या करती, तेरा इंतजार करते करते थक गई थी तो खुद करना पड़ा। हंस रही है, वैसे दोस्तों जब भी आती हेल्प करती है। तो मैंने आधे से ज़्यादा पूरी बना दी थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो बहन आ गई। बहन ने कहा चल मैं हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पहले थोड़ी सांस ले ले, चाय पी ले, उसके बाद तुझे काम पे ही लगाऊंगी, बहुत काम है तेरे लिए। तो वो अपनी कहानी बताने में लगी है। बहन सुबह उठी, बेटे को भेजा, उसकी तबीयत ख़राब हो रही क्योंकि वो भी बीटेक कर रहा है। उसे भी सुबह सुबह भीमताल जाना होता है, उधर तो ठंडा भी बहुत होता है, तो इसलिए उसे ठंड लगी, बीमार भी हो गया। बोली दवाई खाई थी, अभी तो बुखार नहीं है। मैंने कहा इस समय बुखार सबको हो रहे हैं। तो इधर दोस्तों श्राद्ध निपट गया था, पंडित जी को विदा कर दिया, पंडित जी भी चले गए, तो मैं फिर से किचन में आ गई। अब इस समय बहन भी मेरी हेल्प कर रही है। दोस्तों बहन आ गई थी तो बहन ने बहुत हेल्प कर दी थी। फिर हमने खाना बनाया, तो खाना बना के सब जनों ने खा लिया। देरानी भी आई थी, देरानी भी चली गई। अब तारा बैठी है, तारा हो गई और मैं और बहन। तो भाई तारा को तो थकान लग गई है, तारा के चेहरे में 12 बज रहे हैं, मेरे चेहरे में तो अभी 10 ही बज रहे हैं। बारह ही बज रहे थे तुम्हारे चेहरे, लेकिन जब आई थी बड़ी जोश जोश में आई थी, चश्मा लग चढ़ा के। और ये ना आने का ब्लॉक है, सिर्फ जाने का शूट हो रहा है, ना खाने का ना कुछ है। ना परेशानी है, आने का होगा। तुमने वहाँ पे लगाया था, मंदिर तक आई थी, आधी आई होगी, गर्दन कटी, नीचे का धड़ आया होगा। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, इसलिए तो सब कहेंगे आश्चर्य से बहन प्रकट हो गई और जाते समय ही दिख रही बहन प्रकट हो गई। हाँ, तो ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ। हमारे घर में लोगों को सेलिब्रिटी जी फीलिंग आती है ना, दो दो जनों मोबाइल लेके आगे चलते हैं। बाय, फिर ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, चल अंकित छोड़ा। हाँ तुम्हारे YouTube के पैसे आ जाएं। बाय, हाँ बाय 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 तारा दीदी, बाय। हाय, बहन आई थी, बहन भी चली गई। अब मैं भी तैयार होती, मार्केट को निकलती, जरा सब्जी लाती हूँ। तारा अभी बाजार को गई है, बोली मेरे आने तक रेडी रहना। तो मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप भी कह रहे हो बहन के आने का सीन नहीं था, सिर्फ जाते समय का दिखाया, ना खाना खाने का सीन दिखाया, ना कुछ है, नहीं दिखा पाई, उसका कारण था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहती हूँ। शाम के बजे 5:30, बहन भी चले गई, सब चले गए अपने घरों को। अब मैं भी तारा के साथ बाजार जा रही, आज सुपर गली में सब्जी लेने। तो दिन भर तो ऐसे ही थक गई, अब सब्जी लेके आती हूँ, बाकी काम आके करती हूँ। तारा आ रही स्कूटी से और मैं जा रही पैदल। मैं जाती हूँ शोभा के, हाँ शोभा के साथ जाती हूँ बाजार को। हाँ तो बाजार में तो भीड़ ही नहीं लग रही, ऐसा लग रहा बाजार का कुछ नहीं, अंधेरे पड़े में भीड़ ज़्यादा होती है क्या? आज हम बहुत जल्दी आ गए क्या? दुकाने नहीं है। हाँ, सितारा क्या ढूंढ ले रही है? अच्छी लग रही है, ये भी अच्छे लग रहे कलर। ये तो ले रखे, ये ले रखे हरे। अच्छे लग रहे, देखो तो ये जो अच्छे ज्यादा लग रहे हैं, ये निकल रहा है, ये रेड वाले कंचनी है, लेकिन हाँ कंचनी वैसे है, प्लास्टिक के पुराने लग रहे हैं, पुराने लग रहे हैं कंचे वाले, नए नहीं लग रहे हैं। शोभा कान के देखने में लगी है, शोभा का मन कान के देख, अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो, सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैसे है ना प्लास्टिक के वैसे। हाँ ये मेरे मतलब के हैं, मेरे को जो एलर्जी हो जाती है ना उनके है। ये एकदम मॉल जा रहे हैं यार। अच्छा तब छुट्टी नहीं करी, 3 हफ्ते लगातार आ रहे हो ना इस बार? लगातार छुट्टी मारेंगे फिर। अच्छा तभी बस। चने कैसे दिए? चने चने पांच में 60 रुपए के लगाएंगे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ वीडियो बना दे, बताओ एक से क्या होगा, 2-4 और पकड़ो, एक ही से पेट भर जाएगा। चलो।